फ्रेंड्स, हमने जो हमारा लास्ट वीडियो है वाटरफॉल चार्ट, हमने एक्सेल में बना के दिखाया था उसके क्या यूजेस हैं। वाटरफॉल जो कि डेटा विजुलाइजेशन का ही एक रूप है, इसे हम बहुत सारे एनालिसिस और सिक्वेंशली कम्युनिटी इफेक्ट के लिए हम देखने के लिए इसको यूज़ करते हैं। बट यहाँ पर एक क्वेरी आती है कि जिसके पास ये डेटा, एक सेकेंड में क्लिक कर लेता हूँ इंसर्ट और रिकमेंडेड चार्ट में। अभी जिसका, जैसे मेरा ये लेटेस्ट वर्जन है, बट जिसके पास कोई ओल्ड वर्जन है एक्सेल का, उसमें ये वाटरफॉल इनबिल्ट नहीं है, तो वो वाटरफॉल डायग्राम कैसे बनाए। सो आज के हम इस वीडियो में हम ओल्ड वर्जन जो है, जैसे 2013 के पहले के जो वर्जन है उनमें वाटरफॉल अटैच नहीं होता है, इनबिल्ट नहीं होता है, सो उसमें हम वाटरफॉल कैसे बना सकते हैं वो आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मैंने, जैसे हमने लास्ट वीडियोस में हमने देखे बनाया था हमने, कि हमारे पास ईयर्स होते हैं, मैं सीधा कॉपी कर लेता हूँ, कि ईयर्स होते हैं और हमारे पास नेट होता है। ओके, हमारे पास ये दो चीज़ें होती हैं। सो इन दो चीज़ों से हम जो हमारा न्यू वर्जन है, इनबिल्ट है, जिसमें वाटरफॉल डायग्राम, उसमें हम इन दो से बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। सिंपल, इसमें जाके रिकमेंड चार्ट में जाके, ऑल चार्ट में जाके, वाटरफॉल में जाके इसमें डाल देना है, सो ये बन जाता है। बट जो हमारे ओल्ड वर्जन है जिसमें ये इनबिल्ट नहीं है, तो हम उसमें कैसे बनाएंगे? तो उसमें हमें सब करने के लिए हमें उसमें, हम इसमें तीन कॉलम ऐड हमें कर लेंगे इसमें। और यहाँ पर हम बैलेंस, लॉस और प्रॉफिट ये लिख देंगे। ओके, सो अभी हमारा यहाँ पर हमको फॉर्मूलोज डालने हैं। बैलेंस हमारा क्या है वो हम देखेंगे बाद में, ये बेस है हमारा, तो यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ हमारा जनरली प्रॉफिट है, लॉस जो भी है वो आएगा। सो लॉस के लिए हमें क्या है, हम यहाँ पर इफ का फॉर्मूला डालेंगे, इफ ब्रैकेट, अगर ये वैल्यू मेरी छोटी है जीरो से, तो फिर ये वाली वैल्यू आएगी, ओके, अदरवाइज जीरो आएगा। तो ये हमारी जीरो से बड़ी है इसलिए यहां पर जीरो आ गया है। सिंपल, मैं इसको ट्रैक कर दूंगा नीचे तक। सो देखिए, जो जो माइनस वाली वैल्यू है वो यहां पर आ गई है। अब ये माइनस है, सो ये माइनस को हमें हटाना है। सो माइनस कैसे हटाएंगे? माइनस हटाने के लिए हम सिंपल इसके आगे एक माइनस डाल देंगे, ये माइनस हट गया है, कहीं भी माइनस डाल देंगे तो माइनस हट जाएगा, सो माइनस हट गया है। सिमिलर हमें यहाँ पर प्रॉफिट देना है, सो नेट में अगर हमारा कुछ भी प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ आना चाहिए वो। सो हम यहाँ पर सिंपल, जैसे हमने लॉस के लिए फॉर्मूला डाला है, वैसे ही हम इसके प्रॉफिट के लिए डालेंगे। यहाँ पर इक्वल टू इफ, ये जो नेट है ये मेरा बड़ा होना चाहिए जीरो से, तो यहाँ पर ये मेरा नेट आएगा, अदरवाइज जीरो आएगा। सो ये देखिए, जीरो से बड़ा है इसलिए यहाँ पर ये आ गया है। इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ, जहाँ पर भी लॉस हुआ है वहाँ पर ही इसने जीरो डाल दिया है। अब मेरे पास बैलेंस क्या है? यहाँ पर तो मेरे पास बैलेंस कुछ है नहीं। सो अब मेरे पास यहाँ बैलेंस कितना है? मेरे पास बैलेंस कितना है, ये वाला जो पिछला वाला बैलेंस है, ओके, और ये जो प्रॉफिट हुआ है वो मेरे पास बैलेंस है, बट ये जो मेरे पास लॉस हुआ है वो मुझे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसकी बात कर रहा हूँ 2013 की, 13 की बात कर रहा हूँ, 13 में मुझे 20,000 का लॉस हुआ है, बट 12 में मुझे 26,000 का कुछ प्रॉफिट हुआ था, तो यहाँ पर मेरा पास नेट बचा है 6,000। तो इसको मैं ड्रैग कर दूंगा और ये मैं नीचे तक ड्रैग कर दूंगा। सो ये देख सकते हैं मेरे पास फाइनली ये फिगर आ गया है। सो इस डेटा को सिलेक्ट कर लेना है और इनसाइड में जाके ये जो कॉलम चार्ट है इसको ही लेना है, इसमें ये सेकंड वाला है जो, इसको लेना है। और इसमें जाने के बाद ये जो ये डेटा है बैलेंस वाला, ये इस पर क्लिक करेंगे तो ये दिखेगा बैलेंस। सो ये बैलेंस वाले डेटा को फॉर्मेट में जाके हमको इसको, इसका फिल निकाल देना है। सो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, बट
इस पे जाना है लास्ट वाले पे, इसको सिर्फ इसी अकेले को सिलेक्ट कर लेना है और इसको हम कलर दे देंगे, इसको मैं ब्लू कलर दे दिया है मैंने भी। फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाना है और जो एक गैप है ये गैप को निकाल देना है। सो ये कुछ इस तरह से चार्ट बन जाएगा। यहाँ आपका चार्ट टाइटल ऐड होता, टाइटल आ जाएगा यहाँ पर। सो इस तरीके से आप आपके पुराने वर्जन में भी वाटरफॉल चार्ट बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। और मैं ये वाला फॉर्मेट जो है ये सीट में इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में अटैच कर दूंगा, जहाँ से आप ये वाला इसको डाउनलोड कर सकेंगे। आपकी कुछ क्वेरी हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उन पर रिवर्ट करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।